गुजरात के 19 जिलों के 89 सीटों पर मतदान संपन्न। पहले चरण के मतदान का आंकड़ा करीब 68%। 977 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतपेटी में हुआ बंद। महीसागर में पीएम मोदी का निजामी पर बड़ा हमला, कहा कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं निजामी। गुजरात की जनता माफ नहीं करेगी, कांग्रेस नेता ने अपना ट्विटर अकाउंट किया प्राइवेट। सूरत में बीजेपी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। आचार संहिता के बावजूद सूरत में निकाली बाइक रैली। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लहराए भगवा झंडे। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पार्टी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं गोंदिया सांसद नाना पटोले। दिल्ली में कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश से की मुलाकात। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 71वां जन्मदिन, दिग्गजों ने दी बधाई। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने काटा केक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गुजरात चुनाव की, जहां आज पहले चरण के तहत वोटिंग खत्म हुई और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार तकरीबन 68% मतदान हुए हैं। लेकिन जो चुनाव हुआ है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये यूपी से भी बड़ा चुनाव हो गया है। गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग। इस बार युवा चुनेंगे सरकार, क्योंकि 18 से 40 साल के वोटरों की संख्या 40 प्लस से ज्यादा। आयु वर्ग के हिसाब से जानते हैं कि वोटरों की संख्या क्या है। 78,68,876 वोटर 18 से 40 साल की उम्र सीमा के बीच के हैं, जबकि 70,31,523 वोटर जिनकी उम्र 41 से 60 साल के बीच है। सर्वाधिक प्रत्याशी मेहसाणा से 34 हैं, जबकि सबसे कम प्रत्याशी भिलोड से हैं। 2012 के चुनाव में 89 सीटों की स्थिति देख लें तो बीजेपी के पास 63 सीटें, कांग्रेस 22, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें थीं। 2014 में लोकसभा चुनाव में इन 89 सीटों की स्थिति देखें तो बीजेपी के पास 84, जबकि कांग्रेस के पास 5 सीटें थीं। ये दोनों राज्यों के पहले फेज की सीटें हैं, जिसमें यूपी और गुजरात में इस तरह आया बदलाव। गुजरात में 89 सीटें, मोदी की 19 रैलियां। यूपी की 73 सीटें, मोदी की 3 रैलियां। यूपी चुनाव में पीएम मोदी ने एक रैली से 25 सीटों को कवर करते हुए प्रचार किया था, वहीं गुजरात में 89 सीटों के लिए 19 रैलियां की, लिहाजा यूपी से गुजरात में 6 गुना ज्यादा रैलियां की गई। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने प्रचार प्रसार में सब कुछ झोंक दिया। 30 केंद्रीय मंत्री तो 25 वरिष्ठ नेताओं समेत 120 सांसदों और 250 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने 20 वरिष्ठ नेताओं को मैदान में प्रचार के लिए उतारा, जिनमें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अहमद पटेल मुख्य रहे। यूपी के चुनाव से भी बड़ा गुजरात का चुनाव हुआ है, तभी देश की सियासत भी गुजरात चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस मानती है कि अगर गुजरात जीते तो दिल्ली का गढ़ जीतने में कोई नहीं रोक सकता। वहीं बीजेपी 22 साल के बाद भी सत्ता में रहकर इतिहास बदलने के मूड में है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय होता है, वहीं अब गुजरात से दिल्ली के सिंहासन का रास्ता तय करने की जुगत लगी है। आज के बाद दूसरे फेज का मतदान 14 दिसंबर को होना है। देश 18 दिसंबर को नतीजे के इंतजार में है कि आखिर देश के राजनीति का भविष्य कौन तय करेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज इंडिया। गुजरात चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शाम
5 बजे खत्म हो चुका है। 89 सीटों के लिए आज मत डाले गए। 19 जिलों के 89 सीटों पर वोटिंग हुई। इसके लिए कुल 970 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे हुई थी, जिसमें आम लोगों के साथ खास लोगों ने भी वोट डाले। मतदान का आंकड़ा तकरीबन 68% रहा। और आज का दिन 14 तारीख भी एक उत्सव की तरह हम उसको संजोए और भारी से भारी मतदान करने के बाद अपनी सरकार लोग बनाए। आज 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 मेरे लिए आचार संहिता है, यहाँ नहीं बोल सकता हूँ। कोई चुनौती नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। चुनाव गुजरात में हो रहे हैं, लेकिन सियासी पारा बिहार का भी गर्म है। बिहार में भी लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि गुजरात के मतदाता ने विकास के लिए वोट किया है, गुजरात की जनता पीएम मोदी के साथ है और हार्दिक फैक्टर गुजरात में फेल हो जाएगा। वहीं आरजेडी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत बिहार जैसी हो जाएगी। बीजेपी सभी दाव को हार चुकी है, इसके कानून का दावा जो है झूठा है। जो सौराष्ट्र के इलाकों में चुनाव हो रहा है, जहाँ से उनके मुख्यमंत्री आते हैं और स्वयं उसी इलाके से प्रधानमंत्री जी आते हैं, देश की महान जनता ने यह निर्णय लिया है कि जहाँ 22 सालों तक राज बीजेपी ने किया, वह राज्य बना नहीं। आज वहाँ पर गरीबी है, बड़े पैमाने पर नौजवानों में बेरोजगारी है, किसान उस इलाके में आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जीएसटी और नोटबंदी ने वहाँ के व्यापारियों और खुदरा व्यापारियों का हालत भी बिगाड़ दिया है और उद्योग धंधे भी जो है चौपट हो गया है। देखिए, गुजरात की जनता विकास चाहती है और गुजरात की जनता ने देखा है पिछले 22 वर्षों में कि किस प्रकार से गुजरात की परिस्थितियां बदली, आर्थिक स्थितियां बदली, शैक्षणिक स्थिति बदली, रोजगार की स्थिति बदली, विद्युत की उपलब्धता किस तरीके से बढ़ी, सड़कों का जाल किस प्रकार से बिछा, रोजगार के अवसर बने, इन सारे चीजों की अनुभूति गुजरात की जनता ने की है और देश ने भी देखा है कि गुजरात किस कदर विकास के मामले में आगे बढ़ा है। इसलिए गुजरात की जनता विकास से कोई समझौता नहीं करने वाली है, विकास के साथ चलने वाली है और गुजरात की जनता को पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी जी पर। उनको इस बात का गर्व भी है कि उस राज्य का नेता न केवल देश का नेता है बल्कि दुनिया का नेता है और वहाँ के लोग विकास और नरेंद्र मोदी के साथ चलेंगे और जो परिणाम आएगा 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बहुत। राहुल गांधी की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर लगातार जोर शोर से तैयारियां चल रही है, लेकिन इसी बीच राजस्थान कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी जुगत में लगा हुआ है। दिसंबर के अंत में राहुल अधिवेशन के कमेटी की नई टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल की नई टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। राजस्थान से अशोक गहलोत, सीपी जोशी, जुबेर खां, हरीश चौधरी जैसे नेताओं के टीम में बने रहने की पूरी संभावना है। ये चारों अभी महासचिव और सचिव हैं। गहलोत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं हैं। उपाध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर महासचिव पद पर बरकरार रहना तय माना जा रहा है। सीपी जोशी को एक बार फिर मौका मिलना तय है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 71वां जन्मदिन है और इसे लेकर राजस्थान जयपुर के प्रदेश कार्यालय में कई दिग्गज नेताओं ने उनके लिए केक काटकर खुशी जाहिर की। कई दिग्गज हस्तियों ने सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। तेरह दिसंबर को राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं।
13 से 18 दिसंबर तक सरकार प्रत्येक जिले में वर्षगांठ मनाने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में 18 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शहर बीजेपी की बैठक हुई। बैठक में शहर अध्यक्ष संजय जैन, सांसद, विधायक, मेयर समेत सभी मोर्चा और बोर्ड के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में एसएमएस स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान सरकार के अंदर और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के नेतृत्व वाली सरकार, इसने अपने सफलतम 4 वर्ष 13 तारीख को पूर्ण करने, 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर सरकार की उपलब्धियों की प्रदर्शनी और कार्यक्रम आयोजित होने, उसके अंदर हर जिले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित होना। जयपुर सरकार कार्यक्रम 18 तारीख को SMS इन्वेस्टमेंट राउंड के ऊपर आयोजित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में रहने वाली हैं। उस कार्यक्रम के अंदर जयपुर शहर के अंदर जो बूथ की संरचना के आधार के ऊपर जो बूथ इकाइयों का गठन हुआ है, एक बूथ के ऊपर 21 सदस्य की जो हमारी कार्य समिति बनी है, उस कार्यकर्ता वहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित रहे हैं। सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क दुनिया भर में बाघों के लिए मशहूर है। देखिए रिपोर्ट। ये है राजस्थान के सवाई माधोपुर का रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां टाइगर की एक झलक पाने के लिए 7 समंदर पार से सैलानी यहां खींचे चले आते हैं। लेकिन अब रणथंभौर में न सिर्फ टाइगर बल्कि भालू भी पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भालुओं का काफी शिकार हुआ और रणथंभौर में भालुओं की संख्या में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी और दिखना इनका पूरी तरह से ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, परंतु इन सालों में पिछले साल से लेकर अभी तक काफी भालुओं की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। टाइगर वॉच के फील्ड बायोलॉजिस्ट धर्मेंद्र खांडल ने भालू की जानकारी दी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भालू और टाइगर का आपस में इंटरेक्शन देखने को मिलता है, तो जब भी टूरिस्ट आजकल रणथंभौर के अंदर जाता है तो भालू और टाइगर आपस में लड़ते हुए, एक दूसरे को चेज करते हुए, पीछे भागते हुए, या भालू कहीं खेल रहा है, ऐसी सारी गतिविधियां देखने को मिलती है। भालू छोटे बच्चों के साथ घूमते हुए, ये गतिविधियाँ बहुत ही दुर्लभ है और रणथंभौर जो है वो भाग्यशाली है कि भालू और टाइगर एक साथ इतने खुले में उन्मुक्त यहाँ पे देखे जा सकते हैं। हालांकि एक बात भालू के बारे में और महत्वपूर्ण है और वो ये कि अक्सर भालू की मौत एक रहस्य बनकर रह जाती है। भालू का अंत कब हो जाता है, इस रहस्य से बहुत कम मर्तबा पर्दा उठ पाता है, क्योंकि भालू को निशाचर की श्रेणी में माना जाता है। ये रात के वक्त ही विचरण करता है और दिन में ये यदा कदा नजर आता है। ये सैलानियों के लिए शुभ संकेत है कि जहां कभी भालुओं की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर थी, वहां अब भालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में संविदा पर बहाल डॉक्टर्स इन दिनों हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनसे अपील की है कि वो काम पर लौट आएं। मंगल पांडे ने कहा कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, वहीं जिन मांगों को नहीं माना गया है उस पर विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि संविदा चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार के कड़े रुख के बाद इनकी एकता कमजोर हुई और यही वजह है कि कई जिलों में डॉक्टर काम पर वापस लौट आए। मुझे पूरा विश्वास है कि संविदा कर्मी जो हड़ताल पे गए थे वो सब काम पे वापस आ जाएंगे। कल हमारी आयुष चिकित्सकों की डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई थी, आज MBBS डॉक्टरों के डेलीगेशन के साथ बातचीत हुआ है और राज्य की सरकार उनकी जितनी मांगों को पूरा कर सकती थी उन मांगों को हमने पूरा किया है। जो मांगे हम पूरी नहीं कर सकते थे, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम उन मांगों को पूरा नहीं कर सकते और उनकी कुछ मांगे जैसे 15% उनका इंक्रीमेंट बढ़ेगा महीने का, उनको 4 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा,
उनका पहले प्रतिवर्ष रिन्यूअल होता था कॉन्ट्रैक्ट का, अब 3 साल पर रिन्यूअल होगा। ऐसे जो मांग थे उन सारे मांगों को हमने माना है, उनसे आग्रह किया है कि जनहित में, लोकहित में आप अपने काम पर वापस आ जाइए। और सभी चिकित्सकों ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो काम पर वापस आ जाएंगे आज के बाद। बिहार के किसानों की समस्याओं को लेकर अन्ना हजारे पटना में एक धरना देने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 19 दिसंबर से की जाएगी, जहां अन्ना हजारे पटना के दिघा के पुलासन मैदान में किसानों के बीच होंगे। वहीं अन्ना टीम के संयोजक ने यह बताया कि किसानों के साथ साथ अन्ना क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात कहेंगे। हमारी मेन राष्ट्रीय मुद्दा जो है चुनाव प्रचार, लोकपाल की नियुक्ति और किसानों की समस्या। किसानों को 5,000 रुपया, जो 60 साल से ऊपर के किसान है उनको 5,000 रुपया पेंशन प्रतिमाह देना चाहिए, क्योंकि किसानों ने अभी विगत 22 वर्षों में 12 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की है, जो कि ये काफ़ी निंदनीय है। दूसरा है, राष्ट्रीय मुद्दा के साथ साथ अन्ना जी लोकल समस्याओं पर भी ध्यान रखते हैं, जैसे कि अभी छात्रों के साथ में, जैसे बिहटा में भी अभी छात्र हैं, उनका भी जीवन के साथ, समय के साथ उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि देश के तकरीबन 5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, और इसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। वहीं वस्त्र उद्योग के माध्यम से महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा परिभाषित नहीं की गई संविधान में, और आज आप देखेंगे जिस जिले में 2% आबादी है मुस्लिमों का, वो भी अल्पसंख्यक है, जैसे लखीसराय 2% आबादी है, और किशनगंज 70% से अधिक है, वो भी है, कश्मीर में भी है, कई अरुणाचल, ये मल्लापुरम में। तो देश में अब अल्पसंख्यक की परिभाषा पर पुनर्विचार होना चाहिए। बिहार में अब महिलाओं ने पहले पंचायत के बाद सदन तक 33% आरक्षण की मांग करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने आज एक मार्च निकाला। पटना के गांधी मूर्ति से निकलकर बुद्ध मूर्ति तक ये मार्च निकाला गया, जहां केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा, तो आज इसलिए हमने आदरणीय हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको, हम चूंकि हम पिछले कई दिनों से उनसे समय मांग रहे थे, प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलना चाहती थी, मिलकर के हम कहना चाहते थे उनसे कि आप माननीय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनसे लिखित रूप में आग्रह करें कि जो ये 33% आरक्षण का जो बिल है आगामी शीतकालीन सत्र में लाएं, ताकि महिलाओं को महिला का उनका हक मिले। बात बेगूसराय की करते हैं, जहां पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया, जहां लंबे समय से कोर्ट का चक्कर काट रहे लोगों को आपसी सहमति से मामले का निस्तारण किया गया। लोक अदालत के तहत कई मामलों का निष्पादन हुआ। 10 बेंच बनी हुई है और सब पर पीठासीन पदाधिकारी काम कर रहे हैं। बैंक से रिलेटेड बहुत से मामले हैं, मैक्सिमम जितना हो सकता है उसका टारगेट लिस्ट जो है सचिव के पास है। चारा घोटाला मामले से जुड़े तमाम आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी को 11 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्र समेत 56 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिनमें बिहार के कई राजनीतिक लोग समेत तत्कालीन सप्लायर्स भी शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज ऐलान किया है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देने की उनकी लगातार कोशिश है, और
कम से कम 1,00,000 युवक युवतियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है हर एक साल। उन्होंने कहा कि चाहे ये सरकारी नौकरी हो या फिर स्वावलंबी बनाने की कवायद। उन्होंने कहा कि 2022 तक गरीब युवक युवतियों को अपने पैर पर खड़ा करने की कवायद की जाएगी और अगले साल स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर 25,000 युवकों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूल के 40,00,000 बच्चों को जो साल भर में 2 बार ड्रेस दिया जाना है, वह भी सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं तैयार करेंगी, जिससे महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। हमने कहा निर्णय ले लिया, निर्णय डन। मैंने कहा मैं खुद अपने गया था चालक, उसके बाद मैंने एग्रीकल्चर बोला आपको गुमराह क्या, बोला मुझको कोई गुमराह नहीं कर सकता। मैं खुद गया था और मैं खुद देखा दुकान बंद है और वहीं से पूजा सिंघल को बुलाया था। आप लोग भी कोई पत्रकार रहे होंगे, ऐसा नहीं तो कोई प्लानिंग करके हम सेक्रेटरी को ले गए। तो हमने फिर पूजा सिंघल को बुला के पूछा, बोले कितना दुकान खुलता है, तो बोला सर 40% दुकान खुलता है, 60% बंद रहता है। रांची में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया गया, लेकिन यहां पर आज जमकर हंगामा देखने को मिला। जनलक्ष्मी फाइनेंस कंपनी द्वारा लगाए गए बेंच के अधिकारियों पर जबरदस्ती नोटिस भेजने का आरोप लगाया गया। महिलाओं ने बताया कि लोन को माफ किया गया था, लेकिन अब नोटिस दे दिया गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि डालसा के सचिव को भी मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और जनलक्ष्मी के मामले के निष्पादन के लिए लगाए गए बेंच को बंद करना पड़ा। कितना महीना का बचा है आपका? 17 महीने फाइनेंशियल एजेंसी है, उसने नोटिस भेजा था, तो काफ़ी संख्या में उसमें लोग आए हैं और उनके ऑफिसर्स को भी बुला के कह दिए कि एक करके सबसे बात करके जिनका जो ड्यू है वो अगर एग्री करता है तो उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ला करके, चूँकि लोक अदालत में कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं जो भी फैसले होते हैं, तो उसमें ला करके उनके जो भी केस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।